सिंगरौली में एक रेत माफिया ने किसान को ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद से ही विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। भाजपा की रेत माफियाओं के साथ मिलीभगत है, ये आरोप भी कांग्रेस ने लगाया है। सिंगरौली में किसान की हत्या के बाद से ही कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा पर वार करना शुरू कर दिया है। इसी बीच पूर्व मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि सिंगरौली में जो किसान की हत्या हुई है, इसमें भाजपा के लोग शामिल हैं और भाजपा पूरे प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन कर रही है, और जब हम इन मुद्दों को विधानसभा में उठाते हैं तब हमारी बात सुनी नहीं जाती। साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि पूरे प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन हो रहा है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी निर्मम तरीके से हत्याएं की जा रही हैं। क्या मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हेमंत कटारे ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं, उनको इस बात की चिंता करनी चाहिए कहीं मध्य प्रदेश से आदिवासी वर्ग पलायन न करने लगे। मध्य प्रदेश में पूरे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदिवासी वर्ग असुरक्षित है, तमाम वर्गों पे है। अनुसूचित जाति वर्ग की बात कर ले, जनजाति वर्ग की बात कर ले, लेकिन देख लो हम जो बता रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं उसकी पुष्टि हो रही है। सिंगरौली में कितनी बड़ी घटना होगी, क्यों नहीं सरकार रोक पा रही है? तो सरकार के लोग इसमें मिले जुले, और सरकार भाजपा की सरकार ये चाहती है, भाजपा ये चाहती है कि खौफ और एक डर और भय का वातावरण इन वर्गों में बना के रखो, जिससे कि हमारे कार्यकर्ताओं की चलती रहे और वाहवाही होती रहे। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा मध्य प्रदेश असुरक्षित है और आदिवासी तो पूरी तरह से असुरक्षित है। दलित आदिवासी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं निर्मम, जिस प्रकार से उनके साथ कृत्य हो रहे हैं, पेशाब कांड हुआ, आज पूरे देश में मध्य प्रदेश की क्या छवि बन रही है? क्या मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? पूछना चाहिए हमको उनसे। निश्चित ही मोहन यादव जी मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं, उनको इस बात पे चिंता करनी चाहिए कि कहीं आदिवासी मध्य प्रदेश से पलायन ना करने लगे इस भय से। और ये वह अगर गृह विभाग नहीं संभाल पा रहे हैं, मान ली अतिव्यवस्था कारण, तो उनको गृह विभाग किसी और को, जिम्मेदार व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।